हेलो दोस्तों, आपका अपने स्टूडेंट ग्रुप चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के डेट में जो है कि इंट्रेस्ट एग्ज़ाम को लेकर के जो है कि बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इंट्रेस्ट जो है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, जो है कि उसका जो है कि BA का जो है कि मैं मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखने को मिल जाएगा आपका मॉडल पेपर आया जो है कि कैसे आएगा 2020 में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, इंट्रेस्ट टेस्ट 2019 मॉडल पेपर जो है कि ये BA का है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जो है कि अंकों में जो है कि अपना यहाँ पे रोल नंबर भरना होता है और यहाँ पे जो है कि आपका अपना नाम लिखना होता है और सिग्नेचर भी करना होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से जो है कि आपका जो है कि सेम जो है कि 4 या 5 पन्ने में जो है कि आपका मॉडल पेपर जो है कि आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि आप इसको भी जो है कि पढ़ लीजिएगा जो दिया हुआ है, परीक्षार्थी के जो है कि लिए निर्देश जो दिया हुआ है, 4 निर्देश दिए हुए हैं, इसको जो कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं आपका जो है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इंट्रेस्ट एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है कौन सा शब्द संज्ञा है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं जो है क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको जो है कि इसका आंसर कमेंट करके बताना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी बेस पे जो है सेम इसी तरह से जो है कि क्वेश्चन जो है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है कि आपसे पूछे जाएंगे इस बार, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको जो है कि 100% तैयारी करनी होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मॉडल पेपर है, आप इसको जो कि अच्छे से शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और अपने अदर दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जो है कि मॉडल पेपर वो भी देख लें, ठीक है ना दोस्तों। तो अपना जवाब जो है कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें नीचे कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है ना दोस्तों। इससे जो है कि आपकी तैयारी भी जो है कि मजबूत होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कंपटीशन जैसा ही करना है कुछ, तो जितने भी लोग देखेंगे नंबर वाइज जो है कि अपना आंसर बताएंगे कौन सा आंसर जो है कि सही होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए अब शुरू कर देते हैं। तो पहले का कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, जैसे कि आप पहले का जो सही है मैं बता देता हूँ, वो है कि B, यानी कि क्रोधित सही है। तो आपको अगर कमेंट में लिखना है पहले का B, ऐसे करके सही आंसर हो गया, ठीक है ना दोस्तों। इससे हमें ये पता चलेगा और अपने अदर दोस्तों को भी जो है कि कमेंट करेंगे सभी लोग को पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा देख लेते हैं, दिया हुआ है काव्य के शोभा कारक तत्व कहे जाते हैं, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों बताइए हमें नीचे कमेंट करके। तीसरा हो गया, देख लेते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। चौथा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है तो कितनी होती है दोस्तों हिंदी वर्णमाला में, जो है कमेंट करके बताइए हमें। पांचवा देख लीजिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन सा होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको, जो कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके जरूर बताइए। छठा देख लीजिए, दिया हुआ है आविष्कारक शब्द का संधि विच्छेद होता है तो कौन सा होगा हमें नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपने तैयारी किया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताते रहिएगा कौन सा आंसर सही होगा। सातवां देख लीजिए, सफेदा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग जो है कि हुआ है तो किसका हुआ है दोस्तों कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। आठवां देख लीजिए, छायादार शब्द है तो कौन सा होगा बताइए। नौवां देख लीजिए, इसका तद्भव शब्द होता है तो क्या होता है दोस्तों बताइए। दसवें का देख लीजिए, जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है तो क्या होगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए 10वें का 20 सही है तो आपको जो है कि इसी तरह से जो कि कमेंट करना होगा, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ एक दो करके, तो इस तरह से जो कि बताना होगा आंसर सही है, ठीक है ना। 11वें का हो जाएगा, देख लेते हैं, चरण कमल वदय हरिराई में अलंकार है तो कौन सा अलंकार होगा दोस्तों। तो आपको कमेंट करके बताना है ऐसे, ठीक है ना। B, ठीक है ना, 11 का B सही होगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं 12वां, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इंग्लिश में भी आ सकते हैं इस बार, ठीक है ना दोस्तों। तो 12वें का देख लीजिए, दिया हुआ है बुरे काम में लगे एक से व्यक्तियों के लिए प्रत्युक्त लोकोविक्त है तो कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए। 13वां देख लीजिए, वीर रस का अस्थायी भाव है, ठीक है ना, तो कौन सा होगा। 14, इनमें से भक्ति काल के नहीं हैं तो
भक्ति काल के नहीं हैं तो कौन से नहीं हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए। 15, इनमें से कौन सी ध्वनि दंत्य है, कौन सा ध्वनि दंत्य है दोस्तों बताइए कमेंट करके। अब 16 देख लीजिए, एंटोनिमी ऑफ द वर्ड पीपल इज, कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों इसको भी कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पे 17 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है ना, स्पेलिंग जो बोल रहा है करेक्ट करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ करेक्ट जो है कि कॉमेंटी जो कि सही होगा, COMMITEE, तो इसमें जो है कि ए आंसर जो है कि आपका सही होगा, ठीक है ना, पहले 17 का ए सही होगा, ठीक है ना। तो आप जो है कि तैयारी कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। 18 देख लीजिए, वी वर्कड हार्ड बट ऑल इन, 19 दिया हुआ है, द फ्रेश पुट अप विथ मेंस, 20 दिया हुआ देख लीजिए, दिस इज हिज, ठीक है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट .. राइटिंग पीपुल, ठीक है ना दोस्तों। 21 दिया हुआ है, आई विल लुक इन टू द रीजन फॉर द डिसीजन, तो डिसीजन क्या होगा दोस्तों बताइए। अब इसके बाद 22 भी देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश में ही दिया हुआ है, 23 भी वैसे ही दिया हुआ है। जो भी आंसर सही होगा दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके बताते रहिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका जो है कि आंसर शीट जो है कि आपको जो है कि नीचे जो है कमेंट में या तो वीडियो बना के जो है कि आंसर शीट भी जो है कि प्रोवाइड कर दूंगा। 25 देख लीजिए, ए लवर जी, ठीक है, लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स इज कलेक्ट, 26 देख लीजिए, ऐसे दिया हुआ है इंग्लिश में। 27 देख लीजिए, कंप्लीट द सेंटेंस सी एंड क्वेश्चन इन साइंस योर क्लॉक, ठीक है ना, तो क्या भरा जाएगा दोस्तों यहाँ पे मैं कमेंट करके बताइए। 28 देख लीजिए, टू चूज योर करेक्ट स्पेलिंग दिया हुआ है। 29 देख लीजिए, कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पे जो है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति जो करना होता है ना, यहाँ पे खाली दिया हुआ है, इसमें से क्या भरा जाएगा हमें कमेंट करके बताइए। 30 भी वही दिया हुआ है। अब देख लेते हैं 31, ठीक है ना, 31 देख लीजिए दिया हुआ है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है, ठीक है ना दोस्तों, तो कौन सा नाम सही होगा दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए। 32 देख लीजिए, दिया हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, तो कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों कमेंट करके बताते रहिएगा। 33 देख लीजिए, इंदिरा गांधी नहर का अधिकांश भाग स्थिर है, तो कहाँ है दोस्तों बताइए। 34 देख लीजिए, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, शुष्क कृषि में बताइए। 35 देख लीजिए, दिया हुआ है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। अगला आ जाता है दोस्तों नंबर 36, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, तो कितना है दोस्तों कमेंट करके बताइए। 37 देख लीजिए, पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक विस्तृत राज्य है। 38 कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। 39 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थित है। 40 भारत में बनाक्ष छादन का सर्वाधिक प्रसिद्धत्व वाला राज्य, ठीक है ना दोस्तों कमेंट करके दोस्तों नीचे बताते रहिएगा। अगर आपको आंसर भी चाहिए दोस्तों तो मैं जो है कि आंसर भी सीट प्रोवाइड करवा दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है ना। आपको जो है कि बस एक इस वीडियो में मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ, आप जो है कितने क्वेश्चंस का आंसर जो है कि करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा मैं उसमें जो है कि आंसर भी प्रोवाइड करता रहूँगा साथ साथ में। 41 नंबर देख लीजिए, वेदों की ओर चलो यह नारा किसके द्वारा दिया गया, ठीक है ना। 42 नंबर दिया हुआ है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितने विश्वविद्यालय थे। नंबर 43, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कितने अनुच्छेद हैं,
44 जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के किस गांव में, बताना है आपको। 45 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय है, तो कौन सा समुदाय है दोस्तों। 46 नंबर आ जाता है आपका, देख लीजिए, अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है। नंबर 47 हरित क्रांति संबंधित है, तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताते रहिएगा। नंबर 48 देख लेते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए उपबंध है, तो कौन सा है दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइए। 49 नंबर, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है ना। नंबर 50, पारंपरिक हिंदू विवाह की प्रकृति है, कौन सी प्रकृति है दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताते रहिएगा। आपका जो कि 50 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। 51 नंबर देख लीजिए, कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 52 नंबर दिया, नालंदा ग्रंथालय का नाम था, तो क्या नाम था बताइए। नंबर 53, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। नंबर 54, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनाई गई, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना, कमेंट करके बताते रहिए। नंबर 15, हर एक किसी को, जी हाँ दोस्तों, हर एक किसी एक को सिखाए यह नारा दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया था, यहाँ पे जो कि 4 नाम दिए हुए हैं, कमेंट करके बताइए। नंबर 56 देख लेते हैं, वैदिक युग में विद्यार्थियों को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था दोस्तों, बताइए नीचे। नंबर 57, ठीक है ना दोस्तों, मृच्छ कटिकम की रचना किसने की। नंबर 58, अशोक की पुत्री का क्या नाम था जो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका गई थी, तो क्या नाम था अशोक की पुत्री का। नंबर 59 देख लेते हैं, रामायण का लेखक कौन था, ठीक है ना दोस्तों। नंबर 60, महाभारत के लेखक कौन थे, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, कमेंट करके बताते रहिएगा। नंबर 61, रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन थे। नंबर 62, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, तो कहाँ है भगवान बुद्ध का। अगर आप डी यूनिवर्सिटी के हो तो होंगे तो पता ही होगा कि कहाँ पे है। नंबर 63 देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा सबसे पुराना वेद है। नंबर 64, खुजरो के मंदिर किस राज्य में स्थित है। नंबर 65, अजंता प्रसिद्ध है, तो अजंता प्रसिद्ध है ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, बताइए। देख लेते हैं, 66 नंबर आ गया है आपका, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। नंबर 67, 24वें तीर्थकर कौन थे। नंबर 68, किसे आदि कवि माना जाता है। नंबर 69, निम्नलिखित संस्कारों में से कौन एक शिक्षा के प्रारंभ से संबंधित है, तो कौन है दोस्तों। नंबर 70, सर्वप्रथम चातुर्वर्ण का उल्लेख हुआ, तो कब हुआ था दोस्तों बताइए। नंबर 71, कड़ापड़ क्या है, कड़सापड़ क्या है, तो क्या है दोस्तों बताइए कमेंट करके। नंबर 72, गुप्त काल में महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, तो क्या था प्रसिद्ध बताइए। नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ नहीं है। नंबर 74, किस भारतीय शहर का नाम विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर है।
नंबर 75, भारत के पहले ज्वेलरी पार्क का उद्घाटन कहाँ कहाँ जो है कहाँ किया गया था बताइए। नंबर 76, इथियोपियन विमान दुर्घटना जिसमें 157 लोग मारे गए, जहाँ 157 लोग मारे गए के बाद किस विमान को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया गया। नंबर 77, किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। नंबर 78, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 में किसे पुरस्कृत किया गया था। नंबर 79, पाकिस्तान में सिविल जज के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम हिंदू महिला कौन है। नंबर 80, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 200 विकेट, जी हाँ दोस्तों एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 200 क्रिकेट मैच खेलने वाली प्रथम महिला कौन है। नंबर 81 बताइए कौन सा सही होगा। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में भारत का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है दोस्तों। नंबर 82 देख लेते हैं, किस शहर में भारत की पहली मोनोरेल प्रणाली का उद्घाटन किया गया। नंबर 83, किस भारतीय शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक स्वच्छ शहर होने का पुरस्कार प्राप्त हुआ। नंबर 84, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नंबर 85, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जनजाति संख्या निवासी करती है। 86 नंबर देख लीजिए, किस शासक के काल में मोरक्को के यात्री इब्नु बतुता ने भारत की यात्रा की थी, तो किसके शासन काल में किया था दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए। देख लेते हैं 87 नंबर, किस राज्य चिन्ह में उल्लेखित जहाँ दोस्तों उल्लिखित शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। नंबर 88, स्वतंत्रता के पश्चात भाषाई आधार पर सृजित किया जाने वाला पहला राज्य था, कौन सा राज्य था दोस्तों। आप जो कमेंट करके बताते रहिए दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। भारत, जी हाँ दोस्तों, कौन भारतीय राज्य अन्य राज्यों के साथ सर्वाधिक सीमाएं रखता है। नंबर 90, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अंगीकृत की गई थी, तो कौन सी की गई थी दोस्तों बताइए नीचे कमेंट करके। नंबर 11, VVPAT ठीक है दोस्तों का पूर्ण विस्तार है, तो कौन सा होगा नीचे कमेंट करके जल्द ही बताइए दोस्तों। देख लेते हैं 92 नंबर क्वेश्चंस, अंडमान एवं निकोबार आइलैंड की राजधानी क्या है। 93 नंबर देख लीजिए, तो 93, CBFC का अभिप्राय है, तो क्या होगा दोस्तों CBFC का। नंबर 94 देख लेते हैं, यहाँ तो पैन यानी कि PAN ठीक है ना, कार्ड शब्द में पी का अभिप्राय है, तो पी शब्द का जो कि आप पैन कार्ड यूज करते हैं ना, तो पी शब्द का जो कि अभिप्राय क्या होगा बताइए। 95 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, किस भारतीय लेखक को वर्ष 2018 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया बताइए। 96 नंबर देख लेते हैं, इस वर्ष किस भारतीय क्रिकेटर को फिर से ICC क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। 97 नंबर, मनोहर परिकरण के निधन के पश्चात किसने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। नंबर 98 नंबर देख लेते हैं, 27 मार्च 2019 को भारत ने अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इस परियोजना को नाम दिया गया था। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों।
नंबर 99 देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापना हुई थी? 99 यानी कि 100 नंबर, ठीक है ना, सेंचुरी पूरी होती है आपकी यहाँ पे। यहाँ दोस्तों, भारत किसके निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो किसके निर्यात से करता है दोस्तों, बताइए। देख लेते हैं, 101 क्वेश्चन आ गया नंबर। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन है? 102। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो क्या था? 103। वह खनिज जिसमें भारत काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है, तो कौन सा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, बताइए कमेंट करके। 104 देख लेते हैं, योजना आयोग के अनुसार 2004 यानी कि 2005, ठीक, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की कुल संख्या का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत था 2004 और 5 में बताना है आपको। देख लेते हैं अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण शहरी संख्या अनुपात कितना था? अगला सवाल है, भारत में वैज्ञानिक तरीके से पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया? 107। उज्ज्वला योजना संबंधित है, आपको बताना है किससे संबंधित है दोस्तों उज्ज्वला उज्ज्वला योजना, सबसे आसान सवाल ये भी है दोस्तों आज का। 108वां सवाल, भारत के सकल घरेलू बचत में कौन से क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? 109वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अगला सवाल आ जाता है दोस्तों, एस बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कौन थे दोस्तों, कमेंट करके बताते रहिए। 111वां नंबर, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? 112 नंबर आ गया, 1857 के महाविद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो कौन था दोस्तों। अगला सवाल है, दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील लंबी पैदल यात्रा को समाप्त किया था, किस जनपद में स्थित है? आपको जो कि जनपद का नाम बताना, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना था उसमें। 114वां आ गया क्वेश्चन, देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था? तो किसके पक्ष में किया था बताना है आपको। 115वां देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? अगला सवाल आता है 116वां, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता थे? तो कौन थे दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताते रहिए। यहाँ पे जो कि कुछ सवालों पर ट्रिकी भी लगे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि स्कैन किए में तो हट नहीं सकता है। तो अगला सवाल है दोस्तों 117वां, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कमेंट करके बताते रहिएगा दोस्तों। 118वां देख लेते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक जो कि कौन थे? अगला आ जाता है देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइए। 120वां देख लेते हैं, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है दोस्तों। 121वां देख लेते हैं, वंदे मातरम, जी हाँ दोस्तों 121वां है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? 122वां देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? 123 नंबर आ गया आपका, कौन पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं? 124वां देख लेते हैं दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की थी दोस्तों, कमेंट करके बताते रहिए। 125वां आ गया, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक किसने लिखी थी? 126 देख लेते हैं नंबर, भारत में पश्चिमी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? 127 नंबर देख लीजिए, वास्को डी गामा किस वर्ष जो है कि भारत पहुंचा था? 128वां नंबर देख लीजिए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे?
तो कौन थे दोस्तों नीचे कमेंट करके बताते रहिए। 193वां देख लेते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। 130, बंगाल का विभाजन कब हुआ। ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों कमेंट करके बताते रहिएगा। 131वां देख लेते हैं, किसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। 132वां उपन्यास, जी हाँ दोस्तों उपन्यास आनंद मठ की रचना किसने की थी। 133, ओलंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, बताइएगा नीचे कमेंट करके। 134, विश्व कीर्तिमान बनाने वाले भारत के सौरभ चौधरी किस खेल से संबंध रखते हैं। 135, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 136, केडी सिंह बाबू किस खेल से संबंधित थे। नंबर 37, यानी कि 137, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 138, निम्न में से किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है। 139, संसद का अस्थायी सदन कौन सा होता है। 140 नंबर, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, जहाँ तो किसे कहा गया है। 141, उप राष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, तो कौन होता है दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए। 142 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में उल्लेखित है, तो किन अनुच्छेदों में है बताइए। 143 नंबर आ गया आपका, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है। नंबर 144, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। 145, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है, कौन सी तिथि है जो लागू की गई थी भारतीय संविधान। नंबर 146, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक का क्या नाम था, बताइए कमेंट करके। नंबर 147 आ गया आपका, स्वतंत्रता, जी हाँ स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है। नंबर 148, भारत में वयस्क मताधिकार हेतु निर्धारित आयु कितनी आयु होनी चाहिए, जो है कि वोट देने के लिए जो है कि भारत में कितने होने चाहिए आयु, बताइए नीचे कमेंट करके। नंबर 149, भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, यानी कि कितने एज में जो है कि भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है आदमी, बताना है आपको, यानी कि आपका जो है कि लास्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर देख सकते हैं। 150, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का सही अनुक्रमांक क्या है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना दोस्तों, सही क्रम क्या है आपको बताना है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का सही अनुक्रमांक क्या है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इंटरेस्ट एग्जाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए जो है कि अपने स्टूडेंट ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को जो कि अपने अदर दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।